नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुक बिहेवियर पर, जहां हम बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के विचारों पर बात करते हैं। गाइस, जिस बुक की समरी आज मैं आपको देने जा रहा हूं, उस किताब का नाम है द $100 स्टार्टअप री इन्वेस्ट द वे यू मेक ए लिविंग डू वॉट यू लव एंड क्रिएट अ न्यू फ्यूचर, जिसके ऑथर है क्रिस गुलेबियो। यह किताब बेस्ट सेलर ऑफ द ईयर रह चुकी है और इस किताब को मैं रिकमेंड भी करता हूँ उन लोगों को जो कम बजट में अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। क्रिस 35 साल की उम्र तक लगभग दुनिया भर के सभी देशों में ट्रेवल कर चुके हैं और 1500 से भी ज्यादा स्टार्टअप ओनर से मिल चुके हैं, जिसे उन्हें पता चला है कि इसमें से लगभग 98% लोगों ने अपना स्टार्टअप $100 या उससे भी कम पैसों में शुरू किया था और वे सभी सक्सेसफुल बिजनेस बन चुके थे जो मंथली $50,000 या उससे बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे थे। तो दोस्तों, आज की बुक समरी में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कैसे इन 1500 लोगों ने अपना बिजनेस को $100 या उससे भी कम पैसों में शुरू किया, साथ ही अपने बिजनेस को कैसे सक्सेसफुली बनाया। आज मैं इस बुक के कुछ इम्पोर्टेंट लेसन शेयर करने वाला हूँ। यदि आपका भी बिजनेस में जरा सा भी इंटरेस्ट है या आप बिजनेस कर रहे हो या करने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि हम वीडियो के कंटेंट और आपको दी गई नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। इससे पहले आप वीडियो में खो जाए, चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किताब की शुरुआत में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोट लिखा हुआ है, ट्रेडिशनल करियर डोर स्लैमिंग शट, इट इज इजी टू पैनिक बट क्रिस गुलेबियो सीज अपॉर्चुनिटी एवरीवेयर, मेकिंग ए करियर आउट ऑफ योर पैशन साउंड लाइक ए ड्रीम बट इन दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड इंजन बिकॉज शी शो यू हाउ टू गेट इट डन वन सिंपल स्टेप एट ए टाइम। मतलब करियर के दरवाजे बंद होने के साथ घबराना बहुत ही आसान है, लेकिन क्रिस गुलेबियो हर जगह अवसर को देखते हैं। अपने जुनून से करियर बनाने के सपने की तरह लगता है, लेकिन इस $100 स्टार्टअप किताब में वह आपको दिखाता है कि इसे कैसे पूरा किया जाए, वो भी एक समय और बहुत ही आसानी से। ये सब चाइना के एक महान लेखक एलन पोल ने कहे हैं। एलन पोल एक सिंगर, जर्नलिस्ट और एक ऑथर हैं। लेसन नंबर 1, यू डोंट नीड ए लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट ए बिजनेस। अगर आप बिजनेस बनाना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो। क्रिस बताते हैं, मैं आज तक जिन सफल लोगों से मिला हूँ और जिनके भी मैंने आज तक इंटरव्यू लिए हैं, मैंने कॉमन बात सभी में देखी है, जब उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था तो उनके पास भी बहुत सारा पैसा नहीं था। उन्होंने अपना बिजनेस $100 या उससे भी कम पैसों में शुरू किया था और वो बिजनेस आज उन्हें $50,000 या उससे भी कहीं ज़्यादा आमदनी दे रहा है। लेसन नंबर 2, इट्स इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन सॉल्विंग ए मार्केट नीड। दोस्तों, अगर कोई बिजनेस शुरू होता है तो उसका एक ही मकसद होता है, वो मार्केट के नीड को किसी तरह से पूरा करें। बिजनेस को सफल बनाने के लिए आपका फोकस मार्केट की प्रॉब्लम को सोल्व करने पर होना चाहिए। जो बिजनेस मार्केट की किसी बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करता है, वो ही लॉन्ग टाइम के लिए स्टेबल रह पाता है। जैसे फेसबुक ने लोगों को दुनिया भर के लोगों से कनेक्ट कराया, माइक्रोसॉफ्ट ने डाटा और कैलकुलेशन को आसान बनाया, गूगल ने दुनिया भर के हर सवाल का आंसर दिया। आज हम सभी जानते हैं कि इन कंपनीज की वर्थ क्या है। दुनिया के अमीरों के लिस्ट में इन कंपनीज के फाउंडर टॉप पर आते हैं। लेसन नंबर 3, बी क्रिएटिव एंड रिसोर्सफुल इन रीचिंग एंड एंगेजिंग विद योर कस्टमर। सोचो, अगर आज कोई फिर से माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल दोबारा बनाए तो क्या होगा, उसको दुनिया बेवकूफ ही कहेगी। इसीलिए क्रिस कहते हैं, कुछ नया बनाओ जहां आपका कस्टमर आपसे ज़्यादा इंगेज रहे। लेसन नंबर 4, डिवेलप ए स्केलेबल एंड सस्टेनेबल रिवेन्यू मॉडल। बिजनेस बनाने में सबसे ज़रूरी होता है आपका रिवेन्यू मॉडल। आपका रिवेन्यू मॉडल जितना स्टेबल और जितना डिवेलप रहेगा, उतना ही आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। कंक्लूजन, द $100 स्टार्टअप उन सभी के लिए रीड करना बहुत ज़रूरी है जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं
इस किताब में आपको प्रैक्टिकल एडवाइस, रियल लाइफ एग्जांपल और इंस्पिरेशन बातें बताई गई हैं, जो आपकी मदद करेगी लिमिटेड रिसोर्स में खुद का बिजनेस शुरू करने में।